शायरी जुबान है मोहब्बत की, और मोहब्बत मोहब्बत काम है आशिकों का, और आशिक सुनते हैं डीजे नुमान जहान को। सामीन आप सुन रहे हैं कहानी सरहदों पार मेरी मोहब्बत, लिखी है ये नेहा बतूल ने। मुझे कहते हैं डीजे नमान, आपको क्या कहते हैं कमेंट्स बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। जी तो सामीन, कहानी के पहले हिस्से में सारम और रामीन कॉलेज में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सारम प्रपोज करता है, रामीन हैरानगी से उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और ये रामीन वो लड़की होती है जो मोहब्बत पे यकीन नहीं रखती। लेकिन सारम उसको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करता है, और फिर दोनों हंसी खुशी एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। और कुछ अरसे के बाद सारम बैरूने मुल्क चला जाता है तालीम के लिए, और रामीन उसके इंतजार में अपनी तालीम को कंटिन्यू करती है। पांच साल का अरसा दोनों मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत लंबा होता है, एक दूसरे के बिना गुजारते हैं। और फिर एक दिन सारम की कॉल आती है कि मैं वापस आ रहा हूं, और रामीन की खुशी की इंतहा नहीं होती। और सामीन फिर रामीन इंतजार करने लगती है कि सारम के वालदेन और सारम आए और रिश्ता लेकर जिंदगी को आगे की जाने बढ़ाएं। लेकिन फिर क्या होता है कि सारम एक दिन कॉल करता है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो आप मेरा इंतजार मत करो, आगे बढ़ो और मुझसे आइंदा कोई भी रब्ता ना करना। और रामीन के लिए ये बहुत बड़ा सदमा होता है। और कॉल बंद होने के बाद सारम सोफे पे गिर पड़ता है और चीख चीख कर होता है ना कि मर्द जो है वो बहुत कम रोते हैं, लेकिन सारम जो है वो रामीन की मोहब्बत में रोता भी है, चीखता भी है। आखिर पांच साल की मोहब्बत जुदा हो रही होती है, इसकी वजह क्या है, आखिर क्यों ऐसा हुआ। कहानी के दूसरे हिस्से में हम आगे पहुंचे हैं, तो ये पहला हिस्सा जो है उसका खुलासा इसलिए बयान किया कि जो लोग पहले हिस्से में नहीं थे उनको दूसरे हिस्से में आकर कहानी के बारे में थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाए। अम्मी अम्मी अबू को समझाएं मैं उसके बिना नहीं रह सकता, अबू को कहें जिद छोड़ दें, मेरे लिए कॉज सिस्टम कोई अहम नहीं है। अबू को कोई मसला था तो पिछले पांच सालों में क्यों नहीं कहा, आखिर रिश्ता ले जाते वक्त ही क्यों। मुझे दिलों से होती है मोहब्बत, जिंदगी हमने गुजार ली है, मुझे मार दीजिए जुल्म ना करें, सब समझेंगे मैंने धोखा दिया। वो अपने बाबा के सामने हार मान चुका था, उसके बाबा ने उसे अपनी जिंदगी से निकाल देने का फैसला किया था, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अपने छह बहनों और बूढ़ी माँ का अकलौता सहारा उनके लिए उसने ये करवा घूम पी लिया था। जानता था खिलाफ वर्जी की तो बहनों का क्या होगा, घर का निजाम कैसे चलेगा। सारम अपनी अम्मी की गोद में सर रख कर रो रहा था और दिल की बातें कर रहा था। अम्मी पांच साल हमने एक दूसरे का इंतजार किया, दूरियां भी सही सरहद पार भी रहे, पल पल गिन गिन के गुजारा। इस दिन के लिए अब्बू ने ज्यादती की, मेरे साथ वो गलत कर रहे हैं, मेरे साथ मेरी फर्मबरदारी का ये सिला ना था। अब्बू को मालूम था, वो कहते मुझे कि सारम यही ढंग जाओ, ये मुमकिन नहीं है, अम्मी मैं उसे आश्रय में न रखता, वो मेरे नाम पर न रहती,
पांच साल में उसने कितने लोगों की बातें सुनी होंगी। अब जब सबको मालूम होगा तो रामीन का नाम खराब होगा। बेटा मैं बहुत मजबूर हूं, तुम्हारे एक गलत कदम से बहुत जिंदगी बर्बाद होगी। सारम की अम्मी का दिल उसकी हालत पे बहुत अफसरदा था। दूसरी तरफ रामीन बेड पर बैठी घड़ी की टिक टिक देख रही थी और आंसू बहा रही थी और बेसाख्ता अल्फाज निकल रहे थे, ऐ मेरे मालिक मुझसे क्या खता हुई, मैंने अपनी मोहब्बत को पाकीज़ा रखा, एक तेरे कुन के इंतजार में मुझे मौला माफ फरमा दे, मुझे सारम वापस दे दे, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। या खुदा ऐसे तो नहीं थे वो मुझसे दूर रहकर भी उन्होंने मुझे चाहा, तो अब ऐसा क्यों, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, लोग बातें बनाएंगे, मैं रुसवा नहीं होना चाहती, मैं अपने वालदैन को क्या जवाब दूंगी, मेरे मालिक उसका दिल मोर। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना तबीबा सादा दिल मोर, ऐ मेरे मालिक उसका दिल मोड़ दे मेरी तरफ मौला, ये ख्वाब हो ऐ अल्लाह तो मेरा इतना बड़ा इम्तिहान न ले, उसे भेज दे, मैं कैसे बताऊंगी सबको वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं, आजमा रहे हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। या अल्लाह मैंने तो उसे तेरे हवाले करके सरहद पार मीलों दूर भेजा और जब लौटा तो वो मेरा नहीं रहा, यह मुश्किल। आंसू हल्क में उतारे थे और तसल्ली दी खुद को, सुबह ठीक करूंगी, हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा मजाक करने की, अपने आप से बातें करती जा रही थी और आंसू थामने का नाम न ले रहे थे। सामीन न जाने कौन से पहर रामीन शिकवों के ढेर लिए सो गई थी। जब मॉर्निंग टाइम उठी तो हर तरफ खुशियां थी, खुशियां उसकी मुंतजिर थी। कमरे का दरवाजा खोल के बाहर आई तो छोटी चची को देखकर हैरान रह गई। चची आप, वो सबको देखकर घबरा गई थी। हाँ बेटा तुम्हारी अम्मी का हाथ बटाने आई हूँ, लड़के वाले जो आ रहे हैं, जाओ आराम करो, तो थकी सी लग रही है, शाम को फ्रेश दिखना। सामने खड़ी बहन ने आकर शरारती लहजे में कहा, रात भर सोई नहीं हो क्या, आप ही आंखें देखो अपनी। वो सबको देखकर परेशान थी, सब बेहद खुश थे। रामीन ने कमरे में आकर सारम को मैसेज किया कि कब आना है, सीधा बता दें, ड्रामे ना करें। सामीन सारम उसका ये मैसेज देखकर उसके दुख का अंदाजा लगा चुका था। रामीन ने कॉल मिलाई तो सारम की अम्मी ने सारम से मोबाइल ले लिया था, नहीं चाहती थी कि बेटा और टूट जाए। सख्त लहजे में कहा, आज के बाद मेरे बेटे के पीछे नहीं आना, इसमें सबकी भलाई है। आंटी मेरी बात सुनिए, बेटा कुछ सुनने सुनाने का फायदा नहीं। कॉल काट दी गई थी, मनो मट्टी तले ख्वाब दफन हो चुके थे। सारम के अब्बू सारम की बहनों की वजह से परेशान थे। सारम की बहन नासिया के ससुराल वाले उसे कह चुके थे, अगर सारम ने कौस से बाहर शादी की तो हमारी बेटी से नहीं, तो कल का सूरज अपने मेके में देखना। सारम के अब्बू बेटी का घर बर्बाद नहीं करना चाहते थे, रिश्तों को बचाने की खातिर उन्होंने सारम से कुर्बानी मांगी थी। सारम की दो बहनें एक ही घर में बहुएं थी। सारम की पढ़ाई पर सारा पैसा लगाया गया था, बहनें पढ़ी लिखी नहीं थी, इस वजह से उनका रिश्ता मुश्किल से हुआ था। दूसरी बड़ी वजह कास्ट सिस्टम भी थी, दो बेटियों को घर कैसे बर्बाद कर दिया जाता। रामीन बहुत रो रही थी, इस कुर्ब और गम की हालत में उसने सारम को मैसेज लिखा। सारम बोले, मजाक कर रहे हैं, सरप्राइज देंगे ना। उफ अल्लाह, सारम बोले ना, प्लीज जवाब दे। सारम ने जवाब दिया था, मैं मजबूर हूँ रामीन, मजबूर मर्द कभी मजबूर नहीं होता, लेकिन मैं सच में मजबूर हूँ, अपनी जिंदगी खराब ना करो, जाओ मुझे तकलीफ हो रही है। बहुत देर बाद उसने सारम को आखिरी मैसेज लिखा था, सारम वेल डन। कहा था ना यकीन नहीं ना महरम की मोहब्बत पर, आपने ये क्या किया, जब फैमिली रजामंद नहीं थी तो मेरे साथ धोखा क्यों किया, मजबूर हैं आप, अरे इतने सालों में पता नहीं था कि फैमिली रजामंद नहीं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, इतना बड़ा धोखा।
اے اللہ تو مجھے موت دے دے اس شخص کا کیا دھڑا سب کو معلوم ہونے سے پہلے مجھے لگا تھا آپ نے مذاق کیا ہے یا آپ نے اچھا نہیں کیا آپ کی برتھ ڈے تھی منانا چاہتی تھی اتنا کچھ پلان کیا تھا بہرحال ایڈوانس ہیپی برتھ ڈے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے جانا تھا تو جب اس ملک سے دور گئے تھے تب چلے جاتے مگر جب آپ نے میرے ساتھ کیا ہے نا بھول کے بھی نہیں بھولوں گی اللہ آپ کو ہدایت دیں کہ پھر کسی کی بیٹی کو اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے استعمال نہ کر سکے تھینک یو فار اسپوائلنگ مائی ڈریمس مائی ٹائم مائی ایکسپیکٹیشن فرام یو اینڈ آلسو مائی ہوپس بریکنگ مائی ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ تھینکس اے لاٹ بد قسمت اور بے وفا انسان آج کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھنا آپ کی مہربانی ہوگی اللہ حافظ سارم یہ سب پڑھ کر رو رہا تھا کتنا دکھ ہوا تھا اسے رامین نے کتنا غلط لیا تھا اسے رامین کے گھر والوں کو جب معلوم ہوا کہ بنا کسی بات کے اسے ٹھکرا دیا گیا ہے سب گھر والے اداس سے سارم کو کال ملائی تھی رامین کے بابا نے لیکن روک دیا تھا رامین نے اٹس اوکے بابا میرا غرور ٹوٹ گیا ہے اتنی تکلیف میں تھی وہ ماں باپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے نہ ہنستی کھیلتی نہ کسی سے بات کرتی یا اللہ میں نے کہا تھا اسے اتنی دور نہ جاؤ سرحدوں کا فاصلہ آ گیا درمیان میں وہ شخص محبت کرتا رہا پھر اچانک کیا ہو گیا کہتا ہے میں مجبور ہوں مجبور تو وہ سرحد پار تھا سرحد پار کہتا نہ میں مجبور ہوں میں مان جاتی اب تو سرحدوں کی دوریاں مٹا کے آ گیا تھا اور اتنے قریب آ کر اتنا بڑا دھوکہ کبھی معاف نہیں کروں گی اور سامین شاید رامین کی آہ لگ گئی تھی سارم کو سارم تو بے گناہ تھا اس کا کوئی قصور نہیں تھا اپنی فیملی سے ناراض تھا بہنوں پر طلاق کا داغ نہ لگے معاشرے میں عزت خراب نہ ہو اس نے رامین کی آہ لے لی تھی کینیڈا واپس چلا گیا تھا وہی سرحدوں کے بعد دور پردیس آج سب ختم ہوئے 8 ماہ ہو چکے تھے دونوں کی زندگیاں وہیں تھم گئی تھیں وہی رکی تھی اس نے رامین کو ایک میسج کیا تھا سلام کیسی ہو بہت دل چاہ رہا ہے تمہاری آواز سننے کا کچھ معلوم نہیں زندگی کا مجھے معاف کر دو رامین نے اسے سین کر لیا تھا مگر اب کوئی جواب نہیں دیا تھا کر دو نہ معاف پلیز رامین نے اسے بغیر کوئی بات کی بلاک کر دیا تھا اسے بہت تکلیف ہوئی تھی غم کے عالم میں کار چلا رہا تھا پرانی باتیں یاد کر رہا تھا شادی کرنے گیا تھا وہ واپس مگر خالی ہاتھ لوٹا تھا اتنا افسردہ تھا کہ ایکسیڈنٹ کرا بیٹھا تھا کینیڈا میں بس ایک دوست تھا جس نے سارم کے ماں باپ کو اس کی موت کی خبر دی تھی سرحد پاری محبت کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا کاس سسٹر بہنوں کو طلاق ہونے کا ڈر ماں کے دیے واسطے باپ کی التجا کی ہوئی نگاہیں رامین کے نہ جانے کے واسطے ماں باپ کا اکلوتا سہارا رامین کے گھر والوں کی کڑوی باتیں محبت کی قربانی اتنے سالوں کا انتظار رامین کی امیدیں رامین کا اسے غلط سمجھنا آخر میں رامین کا بلاک کرنے کا غم اتنے جذبات لیے جنازہ آیا تھا سرحدوں کے پاس سامین سارم کے گھر والوں کا حال بے حال تھا بعض اوقات ڈپریشن انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا رامین کے پاس آنسو کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اپنے الفاظ پر شرمندہ تھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں ہوئی تھی یہ جان کر اور تکلیف میں تھی کس طرح اس نے 8 ماہ گزارے تھے اور سلا ملا تو جنازے کی صورت میں کتنا تڑپی تھی وہ جب سارم سرحدوں کو پار کرتا اپنے خوابوں کو مکمل کرنے گیا تھا کتنا مشکل وقت گزارا تھا اور جب سارم آیا تو ایک باکس میں زیادہ افسوس کی بات تھی کہ 5 سال چاند ماہ میں اس نے سارم کو نہیں دیکھا تھا حسرت ہی رہ گئی تھی اسے دیکھنے کی اور جب دیکھا تھا تو اس کا چہرہ پہچان بھی نہیں پا رہی تھی سامعین یہ زندگی بہت درد دیتی ہے مرشد ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا اس حادثے میں حسرتیں ہی دم توڑ گئی سامعین یہ تھی آج کی کہانی سرحدوں پار میری محبت لکھی تھی یہ متول نے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا
मुझे कहते हैं डीजे नोमान, आपको क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मुझे आपकी फीडबैक इंतजार है।